गोरखपुर वन प्रभाग के महाराजगंज पार्ट के फरिंदा के भारी वैसी में भारत का पहला रेड हेडेड ब्लचर प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र बन रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 सितंबर को लोकार्पण कर सकते हैं, जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का राजगिद्ध, जिन्हें अंग्रेजी में रेड हेडेड ब्लचर के लिए पहला संवर्धन केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि सितंबर के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 3 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण में 3 जोड़ी रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध लाए जाएंगे। वन विभाग के साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मिलकर इस कार्य को कर रही है। श्री रामचरितमानस में जिस जटायु का उल्लेख वे प्रजाति रेड हेडेड ब्लचर की है, जटायु ने माँ सीता को रावण से बचाने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए थे। उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष में गिद्ध एक जोड़ा लाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरे होने 15 साल का है, जिसकी लागत 35 करोड़ रुपये है। गिद्धों के संरक्षण के लिए शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के नियम बनाए। वर्तमान में दुनिया में सिर्फ 9% से कम गिद्ध बचे हैं। 10 वर्षों में 40 जोड़े किंग वल्चर पैदा करने का लक्ष्य गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा तैयार। DPRO के मुताबिक इस जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र में 10 जोड़े रेड हेडेड ब्लचर का संरक्षण होगा। लक्ष्य है कि अगले 8 से 10 वर्ष में 40 जोड़े रेड हेडेड ब्लचर इस केंद्र से छोड़े जा सकें। शुरुआती दौर में 25 गिद्ध रखे जाएंगे। इनमें 70% किशोरावस्था एवं 30% एडल्ट श्रेणी के होंगे। युवावस्था में पहुंचने के लिए एक गिद्ध 4 से 5 वर्ष का समय लेता है। पहले साल केंद्र में 2 ब्रीडिंग एवियरी बनाई जाएगी, सुविधाओं से लैस होगा। केंद्र जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र में 1 गार्ड रूम, 1 जनरेटर रूम, 1 प्रशासनिक परिसर, 2 होल्डिंग या डिस्प्ले एवियरी, 2 हॉस्पिटल एरियरी, 1 रिकवरी एवियरी, 2 नर्सरी एवियरी, ब्रीडिंग एवियरी 1, फूड सेक्शन और 1 वेटनरी सेक्शन का निर्माण होगा। क्लोज सर्किट कैमरा से गिद्धों के संरक्षण व प्रजनन की मॉनिटरिंग होगी। केंद्र की देखभाल के लिए रेंजर रैंक के सेंटर मैनेजर, डिप्टी रेंजर स्तर रैंक के सहायक सेंटर मैनेजर सहित कईयों की तैनाती होगी। गिद्धों पर GPS चिप लगाकर नजर रखी जाएगी। इनकी सैटेलाइट टैगिंग भी की जाएगी ताकि उड़ान भरने की इनकी क्षमता का आकलन किया जा सके। इस केंद्र को बनाने के लिए 5 हेक्टेयर जमीन आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्थल में 10 किलोमीटर दूर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा कि जो दूसरा जोड़ा आएगा उसे कुछ दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, देखिए पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का जो रेड हेडेड वल्चर के लिए ये पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। और ये हमारे जो गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपेगंज रेंज जो पड़ती है उसमें बनाया जा रहा है। और इसमें काम प्रथम वर्ष का काम पूर्ण हम लोगों ने कर लिया था और अभी जो बजट हमें प्राप्त हो गया है तो अभी जो काम काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने दोबारा फिर से प्रारंभ कर दिया है। जल्दी काम पूर्ण कर लिया जाएगा और इसका शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराए जाने की पूरा प्लान हम लोग बना रहे हैं। इसमें जो है अभी प्रथम वर्ष में 1 जोड़ा गिद्ध का लाया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने जिस लोकेशन से लाना है वो चयनित कर लिया है और उसके बाद में उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रजनन के लिए कार्रवाई चालू की जाएगी। उसके बाद अगले वर्षों में ये पूरे 15 साल का प्रोजेक्ट है, लगभग 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें हम लोगों का लगभग 10 साल बाद इस तादाद में हम लोगों को यहाँ पर जो है गिद्धों की संख्या प्राप्त कर लेनी है कि उनको पुनः जो है उनके प्राकृतिक वास में
प्राकृतिक वास मतलब जंगल में छोड़ा जा सके, और इससे जो है पूरे विश्व भर में जो गिद्धों की संख्या है जो एकदम न्यूनतम होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसके संरक्षण के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास जो है हमारी सरकार और जो है वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सर कितनी जमीन आवंटित की गई है? इसमें लगभग 2 हेक्टेयर जमीन यहाँ आवंटित है जिस पर जो हम लोग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाएंगे। एक जोड़ा लाने के बाद में जो दूसरा जोड़ा आएगा उसको क्वारंटाइन करने के लिए जो अभी वर्तमान स्थल है उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा जिसमें लाके उस जोड़े को नया जो जोड़ा आएगा उसको उस दिन रखा जाएगा। तो इस तरह से जो पूरा ये हमारा योजना क्रियान्वित होगी। सर क्या कब उम्मीद है इसका आप मुख्यमंत्री कब तक? इसमें अभी फिलहाल डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही निकट भविष्य में जितना जल्दी हो सके हम लोग उसका कानपुर करके और उसका उद्घाटन कराएंगे।